चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की, लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जो आपकी बुक्स है उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक आपकी कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 9वीं तक की सभी बुक्स हम लोग देख चुके हैं। याद रखिए, आपके लिए जो भी सिविल सर्विस या फिर स्टेट पीसीएस के लिए जरूरी है एनसीईआरटी, वो सभी टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। जो जो आपके लिए जरूरी है वही वही डाली गई है, इसलिए आपको परेशानी भी नहीं होगी। और अपने पास रख लीजिए उसे, एक से दो बार कम से कम पढ़ लीजिए, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं उखड़ने वाला है। और एनसीईआरटी का दूसरा कोई आपके पास विकल्प भी नहीं है, तो समय रहते हुए पढ़ लीजिए। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र के परिणाम क्या रहे हैं उनके बारे में देखेंगे हम लोग। अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तो विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। जैसे यही कि लोकतंत्र क्या करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किस परिणामों की उम्मीद करते हैं। साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इस उम्मीदों को पूरा करता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, हमें इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे। इस व्यवसाय पर विचार करने के बारे में कुछ बातों को स्पष्ट करने कर लेने के बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र से कैसे परिणाम वांछित हैं, वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं, मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक अंतर और टकराव, तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर भी गौर करेंगे। इस तलाश में हम सकारात्मक परिणाम हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई हैं। ये सवाल और आशंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने खड़ी चुनौतियों पर सोचने के लिए उकसाती हुई हैं, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें आखिर हम लोग, क्या आपको याद है कि मैडम लिंग दो की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसी बातें की थी? आपने इसे कक्षा 9वीं की पाठ्यपुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज्यादा दोषपूर्ण हैं। लोकतंत्र को सबसे बेहतर बताया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है। यानी कि कहने का मतलब ये सीधा सा है कि लोकतंत्र में आपको आप गरीब हैं, अमीर हैं, अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके वोट की वही कीमत है जो किसी अमीर के वोट की कीमत है। व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, यानी कि सभी को बराबर रखता है। इसमें फैसलों में बेहतरी आती है, टकराव को टालने संभालने का तरीका देता है, इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में से पूरा होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र को पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं होती। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सिद्धांतिक रूप से तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इसे समझना इतना अच्छा नहीं माना जाता है। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हैं? आपके देश में अगर बात करें भारत के बारे में, भारत के संदर्भ में, तो आपके यहाँ लोकतंत्र ही बहुत बढ़िया बेहतर है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अगर राजतंत्र होता तो अभी जो फैसले लिए जाते हैं सरकार के द्वारा आप लोगों के लिए, इनको कभी ना लेते, समझ रहे हैं आप लोग? आज दुनिया के 100 देश किसी ना किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव भी होते हैं और राजनीतिक दल भी हैं, साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों की गारंटी भी देते हैं। लोकतंत्र के तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति, अपनी आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृतियों के मामले में ये देश एक दूसरे से काफी अलग भी है। स्पष्ट है कि इन सबका लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजों पर भी असर पड़ता है, और एक जगह जो उपलब्धि हो वह दूसरी जगह भी उसी तरह देखे, यह जरूरी भी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज है जिसकी उम्मीद हर
हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से करेंगे ही। मुझे लगता है पता है आपको, जब आजाद हुए आप लोग, यानी कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उस समय एक ही पार्टी की बात की जा रही थी कि एक पार्टी होनी चाहिए देश में, समझ रहे हैं? और वोट देने की भी बात कई बार उठे इस तरह के मुद्दे की, उन्हें टैक्स जो देते हैं उन्हीं को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। आप एक सोचिए दिमाग से कि अगर वोट देने का अधिकार उन्हीं को होता जो टैक्स दे रहे होते हैं, यानी कि डायरेक्ट टैक्स दे रहे होते हैं, और एक ही पार्टी होती, तो सोचिए शायद हमारे यहाँ के इस तरह के नेता हैं कि आपका ख्याल फिर बिल्कुल छोड़ देते रखना। अभी भी आप देखते हैं कि 5 साल में दर्शन हो जाए तो चुनाव के टाइम तो दर्शन हो जाते हैं, उसके बाद आपको दर्शन भी नहीं होते। तो ये व्यवस्था हमारे लिए हानिकारक हो सकती है, हमारे देश के लिए। बाकी आप और भी देशों में देखिए, वहाँ अगर राजतंत्र भी है तो उसे आगे ले गए देश को। चाइना को ही देख लीजिए, कोई खास लोकतंत्र नहीं है, फिर भी वहाँ GDP के मामले में देखिए बेहतर स्थिति में है, हर मामले में देखिए वहाँ बेहतर स्थिति में रहता है। आपकी जो भी रैंकिंग आती है उसमें हमसे आगे ही चाइना देखा जाता है। कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दवा मान लेते हैं और उससे हर चीज की उम्मीद करने लगते हैं। लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है, और जब हमारी कुछ उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं। हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानी पूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का एक स्वरूप भर है। क्या है? एक स्वरूप भर है। इसे देख लीजिए, डेमोक्रेसी। स्टूडेंट डेमोक्रेसी टू गेट ए सेपरेट स्टेट टू गेट मोर DA या कुछ चीजों को हासिल करने की स्थितियां तो बना सकता है लोकतंत्र में, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीजों से ज्यादा सरोकार नहीं होता है जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी भी नहीं है। तो आइए अब हम उन कुछ चीजों की बात करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था में की जा सकती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं। उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन, कहते हैं कि ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं, यानी कि इसी के आधार है लोकतंत्र के। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे। कहने का मतलब सीधा ऐसा है कि आपके यहाँ जो भी विधायक हैं, लोकसभा सदस्य हैं, सबको चुनने का आपको अधिकार है, चुनने का अधिकार है, लेकिन आप सोचिए क्या आपको लगता है कि आपका, ठीक है आपके वोट से ही वो चुने जाते हैं, लेकिन उसके बाद कोई आपका उन पर नियंत्रण रहता है? एक बार चुनाव जीतने के बाद 5 साल तक मुझे नहीं दिखता कि आप लोगों का नियंत्रण रहता है विधायकों पर। वो तो अच्छा है कि उन्हें आशा रहती है कि दोबारा चुनाव लड़ना है, तो इसलिए वो आपके लिए आते रहते हैं, खबर लेते रहते हैं। वक्त जरूर और यथासंभव इन चीजों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होना चाहिए, ताकि लोगों के प्रति जिम्मेदार सरकार बन सके और सरकार लोगों को जरूरतों और उम्मीदों पर ध्यान दे। आप सरकार के बारे में इतना जान पाते हैं, इतना आपके बारे में सरकार कितना जानती है? इस सवाल की तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ता सवाल यह भी है, क्या लोकतांत्रिक सरकार कारकुशल होती है? क्या यह प्रभावी होती है? कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकारें बनती हैं। निश्चित रूप से ऐसा ही है कि अलोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना पड़ता होता है, उन्हें बहुसंख्यक या फिर अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल भी नहीं रखना पड़ता। लोकतंत्र में बातचीत और मापतोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकार कम प्रभावी हो सकती है? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करते हैं हम लोग। ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है, लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार ना करें, और तब ऐसे फैसलों से परेशानी हो सकती है।
इसकी तुलना भी में लोकतांत्रिक सरकारें सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज्यादा समय भी लेती है, लेकिन इसमें इसने पूरी प्रक्रिया को माना है और इसलिए इस बात की भी ज्यादा संभावना है कि लोग उसके फैसलों को मानेंगे और वे ज्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसला लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं होता है। एक कहने का मतलब सीधा सा है कि आप सोचिए कि एक राजा है, राजतंत्र में एक राजा है, एक आदमी के पास पूरी शक्ति है सभी निर्णय लेने की। तो वो हो सकता है वो जो भी निर्णय लेता है वो समाज को ध्यान में रखते हुए, नीचे तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए ना लिया गया हो, उसे हकीकत मालूम ना हो और उसने निर्णय ले लिया हो ऐसा, तो नीचे के जो तबका होता है उस पर असर गलत जाएगा, वो इसे नहीं मानेगा। लेकिन लोकतंत्र जहां होता है उसमें ये होता है कि आप देखते हैं कि कोई भी फैसला लिया जाता है तो संसद में बातचीत होती है, उसके बाद देखते हैं आप अगर कोई बिल आता है तो पहले आपका या राज्यसभा या लोकसभा दोनों से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब सहमति देता है तब कानून में बदलता है। तो एक लंबी प्रक्रिया रहती है, लंबी प्रक्रिया रहती है, लेकिन उसमें बड़ा मतलब सबका ध्यान रखा जाता है, सबका ख्याल, हर तबके का ध्यान ख्याल रखा जाता है। इसलिए आप देखते हैं कि ज्यादा दंगे भी देखने को नहीं मिलते, मतलब इनसे फैसलों को जनता आराम से स्वीकार कर लेती है। आप सोचिए कि अगर एक आदमी इस फैसले को ले लेता तो शायद जनता इसे स्वीकार करने जनता के लिए संभव भी ना होता। अगर हम लोग दूसरे पहलू की बात करें तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे, और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है। उसे यह सिर्फ जानने का अधिकार है कि बल्कि उसके पास इसके साधन भी उपलब्ध हैं। इसे पारदर्शिता कहते हैं, यानी कि खुला हुआ। यह चीज अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकार में नहीं होती है, इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन होगा हो जो कायदे कानून को मानेगी, वो लोगों के प्रति जवाबदेही होगी। हम यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदार बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि भी विकसित कर लेती है। आपने देखा होगा कि एक अगर सरकार चुनते हैं तो 5 साल के बाद आपके पास दूसरा मौका तो आता है। अगर आपके प्रति जवाबदेह नहीं है सरकार तो आप सरकार वोट नहीं देते और आप बदल देते हैं, तो यही प्रक्रिया है। लोकतंत्र, ये नेताजी हैं, ये आप हैं। अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियां और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार है। इन इन पैमाने पर लोकतांत्रिक शासनों का रिकॉर्ड भी मिला जुला रहा है। नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं ज्यादा सफल रही हैं। यानी कि जो भी फैसला लिए जाते हैं जब सब मिलजुल कर लिए जाते हैं, अब जनता का डायरेक्ट उसमें सम्मिलित होना पॉसिबल भी नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 135 करोड़ जनसंख्या का शामिल हो पाना किसी निर्णय में मुश्किल होता है। इसलिए आप विधायक चुन देते हैं, एमएलए और एमपी चुन देते हैं, वो आपका फैसला लेते रहते हैं, आपकी तरफ से जो भी मुद्दे हैं उन्हें उठाते रहते हैं। पर ऐसे चुनाव कराने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना हम जब गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों का भी उनका प्रदर्शन बेहतरीन ठहरता है। एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की जरूरतों और मांगों पर का ध्यान रखने वाली हो, कुछ कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन दें। इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकार का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। आपने देखा होगा कि 2014 में जब मोदी पे शासन आया, यानी कि एनडीए सरकार बनी, तब आपने देखा है कि कांग्रेस को एक मतलब उसकी छवि इस तरह की गढ़ दी गई थी कि भ्रष्टाचारी है, इसके शासनकाल में बड़े बड़े घोटाले हुए हुए। आप सोचिए अगर आपके यहाँ राजतंत्र होता तो कितने भी भ्रष्टाचार होते रहते हैं, कितने भी घोटाले होते रहते हैं, आप नहीं बदल सकते थे सरकार को। अब आप सोचिए कि चीन के राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, नहीं है संभव।
समझ रहे हैं, जापान के राजा को हटा दिया जाए, नहीं है संभव। कम से कम आपके पास ऑप्शन तो रहता है 5 साल बाद, कि 5 साल बाद अगर आपको पसंद नहीं है तो आप दूसरे को चुन सकते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों को उनकी जरूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की उपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इस बुराई से मुक्त नहीं है, पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दें कि गैर लोकतांत्रिक सरकारें कम भ्रष्ट हैं या लोगों की जरूरतों के प्रति संवेदनशील है यह कहने का कोई आधार भी नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है, यह स्वस्थ हो सकती है, कार्यकुशल हो सकती है। इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है, यहाँ लोगों की जरूरतों की कुछ हद तक अनदेखी भी कर सकते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ ही दिए गए दक्षिण एशिया के प्रमाणों से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही, उन देशों में भी जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं, भी यह भी चाहते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है। अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिणाम ही है और इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती है। एक बात और याद रखिए आप लोग कि राजतंत्र तब तक बेहतर है जब तक एक कर्तव्य, मतलब राजा अपना कर्तव्य निभाता रहे। लेकिन आप सोचिए कि अगर जनता के प्रति राजा का कर्तव्य ना रहे, जो भी राज देश का वहां का राजा है उसका कर्तव्य ना रहे, तो फिर राजतंत्र खराब होने लगता है, कमियां दिखाई देने लगती हैं। दक्षिण एशिया, पाकिस्तान को छोड़कर हर जगह लोकतंत्र को तानाशाही का के ऊपर वरीयता मिलती है। दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, लोकतंत्र बेहतर या लोकतंत्र बेहतर 62, 69, 70, 62, 37 और 71। कभी कभी ये परसेंट में है सभी, कभी कभी तानाशाही बेहतर। बांग्लादेश में 6% लोग कहते हैं, भारत में 9%, नेपाल में 10, पाकिस्तान में 14 और श्रीलंका में 11। कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें 25 बांग्लादेश में, 21 भारत में, 28% नेपाल और 49% पाकिस्तान, 18% श्रीलंका। क्या होता है पाकिस्तान में, इसलिए ज्यादा लोगों की सहमति इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कभी भी आपने देखा है सेना का वहां का जो भी प्रमुख होता है वही कभी गद्दी संभाल लेता है, कभी तख्ता पलट कर देता है। अधिकतर फैसले उसमें आपने देखा प्रधानमंत्री की बजाय और राष्ट्रपति की बजाय वहां के जो भी सेना अध्यक्ष होते हैं वही लेते रहते हैं। अपने देश के लिए लोकतंत्र की उपयुक्तता पर बहुत कम लोगों की संदेह, बहुत उपयुक्त। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश, श्रीलंका, भारत में आपका 92% में, नेपाल को देख लीजिए। अब बात करते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास की बात करते हैं। अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी सरकार की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है? अगर हम 1950 से सन 2000 के बीच के सभी लोकतांत्रिक शासन और तानाशाहियों के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण बनी है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि हमने अर्थशास्त्र में पढ़ा भी है, आर्थिक विकास कई कारकों, मसलन देश की जनसंख्या के आधार पर, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकताओं पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ज्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है, क्योंकि इसके अनेक सकारात्मक फायदे भी हैं। इस तरह इससे आगे के 3 पन्नों के दिए गए कार्टून को धनी और गरीब लोगों के बीच का अंतर दिखाते हैं। क्या आर्थिक समृद्धि का दर सबके
सबको बराबर हुआ है। राष्ट्र में धन की अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज उठा सकते हैं? विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या करेंगे? आर्थिक समृद्धि, आय का और आय का बंटवारा, 2000 से 2006 की, ये धनी हो गए, ये बीच वाले हो गए, ये गरीब हो गए नीचे। धनिकों के पास सबसे ज्यादा आपका धन रहता है। मैं बार बार बोल चुका हूं कई बार कि याद रखिए, तभी एक भरोसे की तरह होता है राजतंत्र और लोकतंत्र। लोकतंत्र राजतंत्र तभी तक बेहतर है जिस तरह से आप सोचिए कि भरोसा कायम है, आप किसी पर भरोसा करते हैं, उस भरोसे को वो बनाए रखता है, वो नहीं तोड़ता है, तब तो भरोसा करना ठीक बात है। इसी तरह अगर आप सोचिए कि वो कर्तव्य निभा रहा है अपना कि आप भरोसा कर रहे हैं, तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो भी भरोसे को बनाए रखे। इसी तरह राजतंत्र में देख सकते हैं कि आप राजा को मानते हैं, तो राजा का भी कर्तव्य है कि आपका ख्याल रखे, जनता का कल्याण करे, यानी कि जनता की जो भी जरूरतें हैं उसे पूरा करे। अगर राजा अपना धर्म नहीं निभाता है तब प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। यही आपके भरोसे पर भी होता है। आप किसी पर भरोसा कर रहे हैं जिंदगी में, अगर उस भरोसे लायक वो मतलब सामने वाला नहीं निभा रहा है तो आपके भरोसे पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। फिर आपके लिए लोकतंत्र ही बेहतर है, यानी कि भरोसा ना करना ही बेहतर है। तो यही हाल है। अब चलते हैं आगे, लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों की बात करते हैं। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े अभावपूर्ण होते हैं। ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्यों से है। इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता है। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलाने में हर्ज नहीं है। लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अनेक अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठित किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसा रिश्ता है। यहाँ दिए गए चार्ट में नक्शा में कुछ प्रमाण भी आपके दिए गए। ओह मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना नीचे कैसे रह रहे हैं? तुम ही बताओ। आवास, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूल, हूँ। एक बात रखिए, हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो अमीर हो, उसकी चार कुछ खास मतलब कॉमन प्रॉब्लम्स होती हैं। आपसे चाहिए अगर स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की यानी कि प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, व्यक्ति खुश है, वो अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। लेकिन इनकी जब प्रॉब्लम खड़ी होने लगती है तो इसी के कारण लोग शहरों की तरफ भागना पसंद करते हैं, शहरों में रहना पसंद करते हैं। यही प्रॉब्लम है। आप सोचिए, आपके पास तो लोकतंत्र है, बोलने का अधिकार है, मीडिया में आप खुलकर बयान भी दे सकते हैं, अगर गलत हो रहा है कुछ आप आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन चाइना में इस तरह का नहीं है। आपने देखा होगा कि कई बार वहां अगर उठता भी है आंदोलन तो उसे दबा दिया जाता है, मार दिया जाता है। तो एक खराब प्रवृत्ति है राजतंत्र की कि वहां बोलने का भी, अगर गलत भी हो रहा है तो बोलने का भी अधिकार नहीं है। यानी कि दोनों मतलब कुछ कमियां उसमें भी है तो कुछ कमियां इसमें, कुछ लाभ उसमें है इसमें लाभ, इसी तरह से। चार्ट एक बताता है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाही का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड की तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट दो बताता है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी भारी आर्थिक असमानता हो सकती है। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में ऊपरी 20% लोगों का ही कुल राष्ट्रीय आय के 60% हिस्से पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं। और डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज्यादा बेहतर कहे जाएंगे। आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानताएं बरकरार रहती हैं। चार्ट एक, पिछले विभिन्न देशों में आर्थिक विकास दरें, ये आपके 1950 से सन 2000 तक की है। शासन का विकास और देश विकास सभी लोकतांत्रिक शासन में देखिए कम है, 3.95 यानी कि 3.95। सभी तानाशाही अगर हम लोग बात करें तो यहाँ 4.42 यानी कि आपके यहाँ से लोकतांत्रिक शासनों से बेहतर स्थिति में। तानाशाही वाली गरीब देशों यहाँ भी आपका बेहतर है, 4.34%। लोकतंत्र वाली गरीब देश यहाँ 4.28%। चुने हुए देशों में आय की समानता की असमानता की अगर हम बात करें तो दक्षिण अफ्रीका राष्ट्रीय आय में 20% का हिस्सा है, ऊपर का 20% व्यक्ति और नीचे का 20%। तो ऊपरी के जो 20% व्यक्ति हैं इनके पास कुल आय का 64.8% है,
और नीचे के जो है उनके पास केवल 2.9 यानी कि 2.9% है। आप समझ सकते हैं कि मतलब एक बिल्कुल गरीब है और एक ज्यादा बड़ा है। इसी तरह अमेरिका में देख लीजिए, यहाँ ऊपर के 20% के पास 50% और निचले के जो 20% है इनके पास 4%। हंगेरी की बात करें तो 34.4% है ऊपरी 20, ऊपर के जो 20% व्यक्ति हैं, और निचले वालों के पास आपका 10.0% है। ठीक है, अब बात करते हैं असमानता और गरीबी में कमी। आर्थिक समृद्धि की बात तो खैर है ही, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से यह भी उम्मीद रखना कहीं ज्यादा तर्कसंगत है कि वे आर्थिक असमानताओं को कम करेंगे। जब देश में आर्थिक विकास तेजी तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है कि सभी लोग सभी को उसका बराबर बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सकें। आप भी जानते हैं कि आपके देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, क्या आपके पास भी सबके पास बराबर धन है यानी कि सबकी स्थिति बराबर है? नहीं ना, आप भी देखते हैं कि आपके यहाँ भी गरीबी है, आपके यहाँ भी एक बड़े समूह के पास देश की कुल आय का एक हिस्सा बड़ा है और गरीब के पास एक छोटा सा हिस्सा है जिस पर जीवन बसर वो लोग करते रहते हैं। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानता का बढ़ना साथ साथ होता है? क्या लोकतंत्र आने से अवसर और वस्तुओं का न्याय पूर्ण वितरण हो पाता है? गरीबों की आवाज देख रहे हैं, गरीबों की आवाज। लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों का के चुनाव पर में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है, यानी कि कहने का मतलब कि आपका वोट और किसी भी व्यक्ति का वोट, फिर चाहे कोई अमीर हो फिर चाहे गरीब हो, सबके वोट की कीमत बराबर होती है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानता को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज्यादा हिस्सा पाते हैं। आप सुनते रहते हैं कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, यही कारण है। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता जा गया है। समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफी कम साधन मिलते हैं, उनकी आमदनी गिरती गई है। कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। अब यहाँ कई लोगों का मैं देखता रहता हूँ कि कई लोग सोशल मीडिया पर बोलते रहते हैं कि उनके लिए स्कूल खोल दिए गए, सरकारी हॉस्पिटल खोल दिए हैं। आप जानते हैं बेहतर सरकारी हॉस्पिटल की सरकारी स्कूल की स्थिति क्या है? मतलब आप देखते हैं फिर भी सोचते नहीं है बोलने, जो भी मन में आता है लिख देते हैं। कभी अपना इलाज भी उस सरकारी हॉस्पिटल में करवा के देखिए, अपने बच्चों को कभी सरकारी स्कूल में पढ़ाकर देखिए, उनमें क्या हाल है स्कूलों के। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आर्थिक असमानता को कम करने में ज्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9वीं की पाठ पुस्तक में आपने भारत की गरीबी के बारे में पढ़ा है। हमारे मतदाताओं में गरीबी की संख्या काफी बड़ी है, इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों से हाथ धोना नहीं चाहेगी। फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से एक निर्वाचित सरकार गरीबों के सवाल पर उतना ध्यान देने को तात्पर्य नहीं जान पड़ती जितनी कि आप उनसे उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालात इससे भी ज्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है। अनेक गरीबी देशों के लोग अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अब अमीर देशों पर निर्भर हो गए हैं। ये हर देश में गरीब देखने को मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपके देश ही में, विश्व का धन चंद लोगों के पास। ये देख रहे हैं आप, विश्व का धन एक बड़ी और बाकी गरीबों के पास 2.2%, यहाँ आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित हो गई होती हैं? लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावपूर्ण सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। हमने इससे पहले के अध्यायों में पढ़ पाया है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती हुई हैं। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम ने अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया है।
लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंदिताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती हैं। इससे इन टकराव के विस्फोटक या फिर हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है। आप अपने देश में भी देख सकते हैं कि यहाँ भी कई तरह के, कई भाषा बोलने वाले व्यक्ति रह रहे हैं, कई धर्म के व्यक्ति रह रहे हैं, फिर कमी ही आपको हिंसक झड़पें देखने को मिलती हैं। कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकराव को पूरी तरह और स्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकता है, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इनके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। क्या है? लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंख फेर लेती हैं या उन्हें दबाने की कोशिश करती हैं। इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का एक बड़ा गुण है, पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाता है कि इस परिणाम को हासिल करने की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं भी दो शर्तों को पूरा करना होता है। कौन कौन सी है शर्तें? नीचे दी गई हैं। आपकी यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है। बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है, उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुमत और अल्पमत की राय कोई स्थायी चीज नहीं होती। सीधा सा महिला मतलब यह है कि आप सोचिए कि आपके जो भी प्रधानमंत्री हैं या फिर आप विधायक हैं कहीं के, तो ऐसा नहीं कि उस विधानसभा के सभी लोगों ने 100% वोट आपको ही दिए। नहीं, दूसरे को भी, आप वहाँ के जो भी उम्मीदवार होगा उसे भी कुछ वोट मिले होंगे। आप जीत जाते हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप सभी लोगों का, अगर 100 लोग हैं वहाँ तो 100 का ही ख्याल रखना आपके कर्तव्य है। ऐसा नहीं कि आपको 50 लोगों ने वोट दिए तो 50 का आप ख्याल रखें, बाकी को छोड़ दें आप, ये आपका कर्तव्य नहीं। जब आप जीत जाते हैं तो यही माना जाता है कि सबने चुना है आपको, वहां की पूरी जनता ने। यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले या चुनाव में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं या फिर बहुमत में हो सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी ना किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति का समूह के लिए समावेशी नहीं रह सकता है, रह जाता है। आप देखिए कि ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ बड़ी आबादी हिंदुओं की है तो बाकी धर्मों को दबा दिया जाए, ऐसा आप नहीं देखते हैं ना, कि मतलब एक बहुसंख्यक में है हिंदू आपके यहाँ, जो अल्पसंख्यक जातियां हैं उनको आप दबाएं, इस तरह के लोकतंत्र में प्रावधान नहीं देखा जाता है। संघर्ष, हेलमेल। सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के दो तरह के प्रभावों को इन दो तस्वीरों के माध्यम से दिखाया गया। प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। मिलजुल कर रहना, इसमें संघर्ष की स्थिति देखी जाती है। अब बात करते हैं नागरिकों की गरिमा और आजादी, यानी कि आपके अधिकार। व्यक्ति की गरिमा और आजादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफी आगे भी है। प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होता है जब कुछ लोगों की को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आजादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज को मानती हैं, कम से कम कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर पर आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का समान सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे हैं उनके लिए एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं। एक और बात आप लोग देखते हैं कि आपको मौलिक अधिकार भी तो मिले हुए हैं। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन बाकी जिसमें राजतंत्र है वहाँ इस तरह की सुविधा आपको नहीं मिली होती। अगर आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप चुपचाप बैठ जाते हैं घर में, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता है कि आप विरोध करें उनका। तो ये भी फायदा है लोकतंत्र का। या स्त्रियों की गरिमा का ही उदाहरण लें,
दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं। महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर वह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता का व्यवहार लोकतंत्र की जरूरी शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालात है कि तो उसका यह मतलब नहीं कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। एक बात और आप देखते हैं कि असमानता ही नहीं है कि अभी भी आप देखते हैं कि आपकी जो भी न्याय कार्यपालिकाएं हैं, आप देखिए आपके यहाँ जो भी विधानसभा है, फिर चाहे जो नेता है, उनमें आप प्रतिशत देखिए, एक बड़ा मतलब आबादी बराबर है, महिलाओं की अभी आबादी बराबर है पुरुषों की भी, लेकिन महिलाओं में से कम ही प्रतिनिधित्व मिलते हैं आपको देखने को, ना के बराबर, ये भी असमानता देखने को मिलती है अभी भी। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत के रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया तो अब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। अलोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव नहीं थी क्योंकि वहां व्यक्तिगत आजादी और गरिमा ना तो वैधानिक रूप से मान्य है और ना ही नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानता पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्जे और समान अवसर के दावों को बल दिया है। आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को हमें मिलते हैं। इनके पक्ष में कानूनी और नैतिक बल नहीं होता है। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। वह एक जांच पर खता उतरे तो अगली जांच आ जाती है। लोगों को जब लोकतंत्र से थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं, यानी कि लालच आने लगता है। वे लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं का पुलिंदा खोद देते हैं और शिकायतों का आवाज अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता का गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाजों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, यानी कि सही है या गलत है। लोकतंत्र के काम से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को बताता है। साथ ही यह लोगों के प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है या उनके अपने हितों को भी प्रभावित करता है। रोज पेड़ा एक स्तंभ, बहन जी यह सीट मेरी है। नैतिक साहस, ऊपर दिए गए कार्टून या ग्राफ को देखें, दोनों में से हिस्से में उठाए गए मुद्दों नागरिकों की गरिमा और आजादी को दर्शाता है। कार्टून या ग्राफ से जुड़ने वाली पंक्तियों को रेखांकित करें। क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्ट कौन थी, किस घटना का जिक्र किया गया है? जो लोग मानते हैं कि हमारे वोट का असर पड़ता है, इनमें आपका दक्षिण एशिया में अगर देखें तो 60-65% लोग मानते हैं कि उनके वोट का कोई महत्व है। बांग्लादेश में 60%, 66%, भारत की बात करें तो 67% लोग मानते हैं कि उनके वोट का असर होता है। नेपाल में ये 75%, पाकिस्तान में आपका 50%, श्रीलंका में आपका 65%। नेपाल में 75% इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी हाल में हुआ संविधान मिला हुआ है, इस तरह के उन्हें अधिकार मिले हुए, तो अभी उनका जुनून है। आगे देखते हैं क्या होगा। इसी अध्याय से संबंधित ही आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, इन्हें भी आप देख सकते हैं और एक से दो बार इसे और पढ़ लीजिए बस, और एक कोई भी आप लिख सकते हैं जो भी आपको स्पेशल बुक्स लगे, एम लक्ष्मीकांत बढ़िया है और आपके अगर मन में कोई है तो उसे भी पढ़ सकते हैं, इसके अलावा बस इतना काफी है। और इन्हीं से आप लोग अपने नोट्स बना लीजिए, दूसरे के नोट्स पढ़ने से बेहतर है कि अपने बनाइए, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन कम से कम आपको बहुत कुछ फायदा मिलेगा उससे। लास्ट चैप्टर बचता है आपका लोकतंत्र की चुनौतियां, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे।